पहला प्रश्न। हर्मन हेस की प्रसिद्ध पुस्तक सिद्धार्थ में एक पात्र है वासुदेव। वासुदेव प्रमुख पात्र सिद्धार्थ से कहता है, मैंने नदी से सीखा है, तुम भी नदी से सीखो, नदी सब सिखा देती है। वासुदेव का नदी से सीखने का क्या आशय है, कृपा करके हमें कहिए। नदी प्रतीक है और बुद्ध की परंपरा में महत्वपूर्ण प्रतीक है, क्योंकि बुद्ध ने कहा संसार एक प्रवाह है। जैसे यूनान में हेराक्लीतु ने कहा कि जीवन एक सरिता है और ऐसी सरिता कि इसमें कोई दोबारा नहीं उतर सकता। एक ही नदी में दोबारा उतरने का उपाय नहीं, क्योंकि जब तुम दोबारा उतरोगे तब तक बहुत पानी बह चुका होगा। ऐसा हेराक्लीतु ने कहा। बुद्ध एक कदम और आगे गए। बुद्ध ने कहा एक ही नदी में दोबारा उतरने का उपाय नहीं है, क्योंकि नदी का बहुत पानी बह चुका होगा और तुम्हारा भी बहुत पानी बह चुका होगा। जब तुम दोबारा उतरने आओगे, न तो नदी वह है जो पहले थी, न तुम वह हो जो पहले थे। प्रतिपल सब बह रहा है। वासुदेव इसी सत्य को कह रहा है। वासुदेव एक माछी है, वो नदी में लोगों को इस पार से उस पार उतारने का काम करता है, वर्षों से यही काम करता है, नदी के साथ ही रहा है। जब कोई नहीं होता तो एकांत में नदी के किनारे बैठा होता है, जब कोई आ जाता है तो उसे नदी पार करा देता है। उसने नदी के सब रूप रंग देखे। वर्षा में नदी का तूफानी रूप देखा है, जब भयंकर बाढ़ आती और नदी फैल के सागर जैसी हो जाती, और उसने गर्मी में इसी नदी की सूखी हुई देह भी देखी है, जैसे तनवंगी जरा सी धार रह जाती। उसने इस नदी में बहुत भाव भंगिमाएं देखी, प्रवाह की, गति की, गत्यात्मकता की। शांत इस नदी के किनारे बैठकर उसने नदी की मरमर ध्वनि सुनी है, नदी के प्रवाह को देखकर उसने जीवन बहा जा रहा है, जीवन की क्षणभंगुरता समझी। नदी में उठते बनते मिटते बबूलों को देखकर उसने अपने को भी एक बबूला समझा है। यहां सभी बनता है, सभी मिट जाता है, यहां कुछ भी थिर नहीं। ऐसे नदी के सत्संग में धीरे धीरे उसे बोध हुआ है। उस बात को वासुदेव कहता सिद्धार्थ से कि नहीं किसी गुरु के पास जाने की जरूरत है और न कोई शास्त्र पढ़ने की, मैं तो इस नदी के पास रह रहकर ही जान गया, सीख गया, समझ गया। कुछ बातों का प्रतीक नदी है। पहला तो बहाव। जीवन के अधिकतम दुख इसीलिए हैं कि तुमने जीवन को नदी की तरह नहीं देखा। मेरा आशय कि तुम्हारे जीवन में जो भी है तुम उसे पकड़ रखना चाहते हो, और यहां कोई भी चीज पकड़ के नहीं रखी जा सकती। यहां कोई चीज रुकती नहीं, ठहरती नहीं। तुम हारोगे, तुम विश्वास से भरोगे, विफलता तुम्हारे जीवन का अंग हो जाएगी, और तुमने हर चीज पकड़नी चाहिए। जो भी आया तुमने उसे पकड़ रखना चाहा। तुम्हारे घर एक बेटा पैदा हुआ और तुमने पकड़ रखना चाहा, लेकिन ये बेटा जाएगा। ये बड़ी दुनिया पड़ी है, इसे बहुत खोज करनी है, इसे बहुत दूर की यात्राएं करनी है। तुमने अगर इसे पकड़ा तो तुम दुख पाओगे, तुम्हें छोड़ने की तैयारी होनी चाहिए। जैसे एक दिन बच्चा मां का गर्भ छोड़ देता है, ऐसे ही एक दिन बच्चा माया की छाया भी छोड़ देगा, जाएगा दूर, स्वयं की खोज में लगेगा, और स्वयं होने के लिए माता पिता को छोड़ना ही पड़ेगा।
लेकिन अगर मां बाप पकड़ रखना चाहें तो कष्ट खड़ा होगा, उनके लिए भी कष्ट खड़ा होगा, बेटे के लिए भी कष्ट खड़ा होगा। तुम्हारा किसी से प्रेम हुआ, तुम जल्दी से पकड़ रखना चाहते हो। प्रेम को हम कितनी जल्दी विवाह बनाने में लग जाते। प्रेम हुआ नहीं कि हम विवाह की सोचने लगते। प्रेम तो धारा है, बहाव है, विवाह व्यवस्था है, ठहराव है। प्रेम तो प्राकृतिक है, विवाह सामाजिक है। प्रेम परमात्मा का है, विवाह आदमी की निर्मित व्यवस्था है। प्रेम अपूर्व रहस्य, विवाह व्यवस्था है, कुछ भी अपूर्व नहीं हुआ। और जहां विवाह भारी हुआ प्रेम मर जाएगा, क्योंकि विवाह ठहराने की कोशिश है उसको जो कभी नहीं ठहरता। और यही हम हर चीज में कर रहे हैं। एक सुख आया कि हमने मुट्ठी बांधी और हमने कहा आप कभी जाना मत, सुख के पक्षी को बंद कर लिया मुट्ठी में। उसी बंद करने में सुख का पक्षी मर जाता है, जो आया है वो जाएगा। तो वासुदेव कह रहा है इस नदी से मैंने सीखा कि कुछ भी थिर नहीं है, सब बह रहा है, पकड़ो मत, जकड़ो मत। यही तो संदेश है सारे बुद्धों का, परिग्रह नहीं। अपरिग्रह का अर्थ इतना ही है कि चीजें आती हैं जाती हैं, तुम पकड़ो मत। जब हो तब प्रफुल्लित रहो, जब चली जाए तब भी प्रफुल्लित रहो। तुमने जहां पकड़ना शुरू किया, जहां तुमने नदी की धार रोकी और बांध बनाया, वहीं गंदगी, वहीं सड़ान पैदा हो जाती। नदी का सरोवर बन जाना नरक है, और हम सब सरोवर बन जाते। हम बड़े भयभीत हैं परिवर्तन से। जवान बूढ़ा नहीं होना चाहता, ये उसकी आकांक्षा पूरी नहीं हो सकती, इसलिए दुखी होगा। दुख जिंदगी नहीं लाती, दुख तुम्हारी आकांक्षा लाती। जवान बूढ़ा नहीं होना चाहता, जो जीवित है वो मरना नहीं चाहता, ये कैसे होगा? जो जन्मा है मरेगा भी, जो जवान है बूढ़ा भी होगा। इस सत्य को देखो, समझो और इस सत्य के साथ राजी हो जाओ। पकड़ो मत, जब जवानी बुढ़ापा बनने लगे सहज भाव से बूढ़े हो जाओ। जब जिंदगी मौत में ढलने लगे सहज भाव से मौत में उतर जाओ। यही जीवन का प्रवाह है। जो आए उसे अंगीकार कर लो, जो जाए उसे अलविदा। ऐसा आदमी दुखी नहीं होगा, कैसे दुखी होगा? उसने दुख का मूल सूत्र ही तोड़ दिया, उसने दुख के आधार जला दिए, उसने जड़ काट दी। जब प्रेम आए तो नाचो, और जब प्रेम चला जाए तो रो मत। जो आया था वो जाएगा ही, फूल सुबह खिला था सांझ मुरझाएगा ही। और अगर तुमने चाहा कि फूल कभी ना मुरझाए तो फिर प्लास्टिक के फूल खरीदोगे, फिर असली फूल तुम्हारे जीवन में नहीं रह जाएंगे। फिर जाओ बाजार से प्लास्टिक के फूल खरीद लो, फिर वो कभी ना मरेंगे क्योंकि वो पैदा ही नहीं हुए, वो कभी ना मरेंगे क्योंकि वो जिंदा ही नहीं है। तो नदी में बहता हुआ जल और तुम्हारी बोतल में बंद जल में उतना ही फासला है जितना असली फूल और नकली फूल में। असली फूल की खूबी क्या है? खूबी यही है कि वो प्रतिपल बह रहा है। सुबह जो फूल खिला था वो सांझ तक बह गया। बुद्ध ने कहा है सब सतत प्रवाह है, यहां विश्राम नहीं, यहां विराम नहीं। आधुनिक विज्ञान इस बात से राजी है। पश्चिम के बहुत बड़े विचारक एडिंगटन ने लिखा है कि दुनिया की भाषाओं में एक शब्द बिल्कुल झूठा है, वह शब्द है रेस्ट। ऐसी कोई चीज होती नहीं, विराम होता ही नहीं, विश्राम होता ही नहीं। सब चीजें चल रही, प्रतिपल चल रही। तुम सोचते हो जब आदमी मर गया तो सब ठहर गया, कुछ भी नहीं ठहरा, तब भी प्रवाह हो रहा। तुम्हें पता है आदमी के मर जाने के बाद भी दाढ़ी और बाल बढ़ते रहते, नाखून बढ़ते रहते। तुम्हें पता है आदमी मर जाता है तो आदमी मर गया होगा, लेकिन उसके भीतर हजारों लाखों जंतु हैं, वो सब गतिमान है।
आदमी मर गया, तुमने उसकी लाश जाके दबा दी मिट्टी में, लेकिन अभी प्रवाह चल रहा है, हड्डियां गलेंगी, वर्षों लगेंगे, मिट्टी फिर मिट्टी बनेगी। हर चीज फिर वापस अपने स्रोत में गिरेगी, प्रवाह जारी है। और जो आज तुम्हारी हड्डी है वो कल किसी और की हड्डी बनेगी, और आज जो तुम्हारे भीतर खून की तरह बह रहा है कल किसी और के भीतर खून की तरह बहेगा। जो अभी वृक्षों में हरा है कल तुम्हारा खून होगा, आज तुम में जो खून है कल वृक्षों की जड़ों में खाद बनेगा। चल रहा है, कुछ भी ठहरा हुआ नहीं। एक चीज दूसरे में बदलती जाती, रूपांतरण होता है। न तो कोई चीज कभी पैदा होती, न कोई चीज कभी वस्तुतः समाप्त होती, यात्रा है। न कोई प्रारंभ है न कोई अंत है। नदी कहां प्रारंभ होती बता सकते हो? कहोगे हां बता सकते हैं, गंगोत्री में गंगा शुरू होती। गंगोत्री में शुरू नहीं होती, आकाश में बादल घिरते उनसे जल बरसता है, तो गंगोत्री में जल आता है। गंगोत्री से कैसे शुरू होगी? तो शायद तुम कहो कि बादलों में शुरू होती। बादलों में शुरू नहीं होती, क्योंकि समुद्र से जब तक बादल ना उठे, जब तक समुद्र से भाप ना उठे और सूरज की किरणों पर पानी चढ़ के आकाश में ना जाए, तब तक बादल रिक्त है। बादलों में क्या रखा है? बादल है ही क्या अगर समुद्र का सहारा ना हो? तो समुद्र में गंगा शुरू होती, लेकिन समुद्र में तो गंगा आके गिरती है, वर्तुलाकार है। कहां शुरू होती? समुद्र गंगा से बनता है, गंगाओं से बनता है, फिर बादल बनते, फिर बादलों से गंगोत्रियां बनती, गंगोत्रियों से गंगा बनती, गंगा से सागर बनते, सागर से बादल बनते, ऐसा वर्तुल। इसलिए हमने संसार को संसार कहा। संसार शब्द का अर्थ होता है चाक, द व्हील, वो जो भारत के राष्ट्रीय झंडे पर चक्र है, वो बुद्ध प्रतीक है। वो बुद्ध ने ही सबसे पहले उस प्रतीक की चर्चा शुरू की थी, वो अशोक के स्तंभ से लिया गया है। जैसे चाक गाड़ी का घूमता रहता घूमता रहता, ऐसा ही जीवन चलता जाता चलता जाता, न कहीं शुरू हुआ है न कहीं अंत होगा। इसलिए बुद्ध कहते हैं किसी ने जगत को बनाया नहीं, कोई सृष्टा नहीं, अनादि है, जैसे नदी की धार, सदा से है यह और सदा रहेगा। लेकिन सदा से है और सदा रहेगा, फिर भी एक क्षण को कोई चीज स्थिर नहीं, सब बदलाहट। सिर्फ परिवर्तन को छोड़ के सब चीजें परिवर्तित हो रही। तो नदी में पहले तो बहाव, परिवर्तन, यात्रा, इसका बोध है। और अगर ये बात समझ में आ जाए कि सब चीजें बह रही, तो मुट्ठी खुल गई, तो वितरागता फल गई, फिर तुम पकड़ोगे नहीं। जो धन तुम्हारे पास आया है वो इसलिए आया है कि किसी के पास से चला गया है, और तुम्हारे पास भी ज्यादा देर नहीं रह सकता क्योंकि किसी और के पास उसे जाना है। अंग्रेजी में जो शब्द है धन के लिए करेंसी, वो बिल्कुल ठीक है। वो करंट से बना, धार नदी की, एक हाथ से दूसरे हाथ में धन बहता रहता है, यही उसकी करेंसी है। लेकिन तुमने धन को पकड़ लिया, गड्ढा खोद के घर में हंडे में बंद करके दबा दिया, वो धन धन ना रहा, मिट्टी हो गया। धन तो तभी तक धन है जब एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता रहे। इसलिए कंजूस धन को मार डालता है, उसके हाथ में धन मिट्टी हो जाता है, उसका कोई अर्थ ही नहीं रहा। तुमने अपनी तिजोरी में कंकड़ पत्थर भर के रख लिए कि नोट भर के रख लिए, क्या फर्क है? जब तक तिजोरी से नोट चले नहीं, एक हाथ से दूसरे हाथ में ना जाए, तब तक वो धन है ही नहीं। इसलिए भारत में जितना धन है उतना धन नहीं है, और अमेरिका में जितना धन है उससे हजार गुना धन है, क्योंकि पैसा चलता है, सरकता है। सिर्फ अमेरिकन जानता है धन को हजार गुना करने का उपाय, इसलिए धनी है। मुझसे लोग आके पूछते हैं, विशेषकर जो अमेरिका से आते हैं वो मुझसे पूछते हैं कि भारत गरीब क्यों? क्योंकि भारत मूढ़ है। गरीबी मौलिक नहीं है, मूढ़ता मौलिक है, मूल में मूढ़ता है। यहां धन को पकड़ने की आदत है, यहां धन को जीने की आदत नहीं है।
यहां हर चीज को पकड़ने की आदत है, यहां जो मिल जाए उस पर कब्जा कर लो, मुट्ठी बंद कर लो, संभाल के बैठ जाओ। अमरीका उछालता है, जो है उसका उपयोग कर लो। असल में अमरीका जो नहीं है उसका भी उपयोग करता है। अभी कार खरीद लेगा और 10 साल पैसे चुकाएगा, अभी है ही नहीं पैसे, 10 साल में पैसे होंगे, कमाएगा तब चुकाएगा, इंस्टॉलमेंट पर खरीद लेगा। इंस्टॉलमेंट पर खरीदने का मतलब है तुम्हारे पास जो धन अभी नहीं वो तुमने खर्च कर दिया। यहां भारत में जो धन तुम्हारे पास है उसको भी तुम खर्च नहीं करते। अभी कल तुमने पढ़ा ना बुद्ध की इस कथा में कि वो आदमी मर गया, नगर श्रेष्ठी अपुत्रक, और जब मर गया तो उसके घर से 7 दिन तक बैलगाड़ियों में भर के धन ढोया गया, और वो खुद ना तो कभी खाया ठीक से ना कभी पिया ठीक से, उसने कपड़े नहीं पहने ठीक से, जरा जीन कपड़े पहनता रहा, वो पुराने टूटे फूटे रथों पे चलता रहा, रूखा सूखा खाता रहा। ये शुद्ध भारतीय था, यही भारतीय भारत की गरीबी के पीछे कारण। चीजों को बहने दो, चीजों को चलने दो, गतिमान होने दो। संसार को भी जीने का ढंग वही है जो परमात्मा को जीने का ढंग है, पकड़ो मत। लेकिन कभी कभी तुम पकड़ना भी छोड़ देते हो तब भी पकड़ नहीं छूटती, क्योंकि तुम्हारी जड़ता बड़ी गहरी है। एक आदमी कहता ठीक नहीं पकड़ेंगे तो धन छोड़ के जंगल भाग जाता है, अब वो त्याग को पकड़ लेता है। पहले धन को पकड़ा था, अब त्याग को पकड़ लिया। तुम्हें इस तरह के साधु संतों का पता होगा जो धन नहीं छूते। ये मूढ़ता सिर के बल खड़ी हो गई। पहले सिर्फ धन ही धन इनका प्राण था, अब धन छूने से घबराते हैं जैसे धन में कोई सांप बिच्छू। मध्य में नहीं टिकते, मध्य में टिकने का मतलब है धन को आने दो जाने दो, रोको भर मत, आए भी जाए भी यात्रा जारी रहे। तो या तो प्रेम करते हैं लोग और विवाह में रूपांतरित कर लेते हैं, या फिर इतने घबरा जाते हैं कहते हैं कि हम सन्यासी हुए जाते हैं, हम इस प्रेम की झंझट में ना पड़ेंगे, इसमें झंझट, हम सन्यासी, हम ब्रह्मचारी धारण कर लेते, हम किसी से कभी कोई प्रेम ही ना करेंगे। मगर हर हालत में तुम जड़ रहते हो, या तो विवाह बन के जड़ या ब्रह्मचारी बन के जड़, लेकिन प्रेम आए और जाए बहे उससे तुम घबराते हो, उससे तुम्हारे प्राण संकट में पड़ जाते। वासुदेव यही कह रहा है, वो कह रहा है अपरिग्रह का सूत्र यही है कि चीजें आती जाती, तुम बीच में अड़ो मत, जब आए तो आ जाने दो, जब चली जाए तो चली जाने दो, न तो खींचो आने के लिए न धकाओ जाने के लिए। नदी अपने से ही बह रही है, इसको धकाने इत्यादि की कोई जरूरत नहीं। जो नदी पे मुट्ठी बांधेगा उसकी मुट्ठी खाली रह जाएगी। जल पी लो, स्नान कर लो, मुट्ठी मत बांधो। और दूसरी बात, नदी अनजाने सागर की खोज कर रही है, अनजाने नदी को कुछ पता नहीं कहां जा रही क्यों जा रही, मगर टटोल रही सागर को, विराट की खोज में निकली। कोई नक्शा भी पास नहीं, कोई शास्त्र भी पास नहीं, कोई वेद कुरान बाइबिल भी पास नहीं, अनंत की खोज पर चली बिना नक्शों के। कोई गुरु नहीं, किसी की अनुगामी नहीं, टटोल रही अपने से और पहुंच जाती। सभी नदियां पहुंच जाती, ये तुमने देखा, छोटी नदियां पहुंच जाती, बड़ी नदियां पहुंच जाती, नदी नाले सब पहुंच जाते, सब सागर पहुंच जाते। अगर अपनी सामर्थ्य से नहीं पहुंच सकते तो छोटे नाले बड़े नालों में गिर जाते हैं, बड़े नालों नदियों में गिर जाते हैं, नदियां बड़ी नदियों में गिर जाती, मगर सागर तक सब पहुंच जाते। वासुदेव ये कह रहा है अगर तुम खोजते ही रहो तो परमात्मा तक पहुंच जाओगे। और नक्शों की कोई जरूरत नहीं, हिंदू मुसलमान ईसाई, नक्शों की कोई जरूरत नहीं, खोज की त्वरा चाहिए, खोज की तीव्रता चाहिए, खोज की सघनता चाहिए। नक्शे नहीं काम आते, खोज की सघनता काम आती। इस भेद को समझ लेना। नदी को नक्शा पकड़ा दो
इससे कुछ अर्थ नहीं होगा। सिर्फ नदी में जलधार होना चाहिए, ऊर्जा होनी चाहिए, बस पर्याप्त है। उसी ऊर्जा के बल नदी खोजती। जिन्होंने सत्य को पाया है उन्होंने भी नक्शों के सहारे नहीं पाया, क्योंकि इस परिवर्तनशील जगत में नक्शे बन ही नहीं सकते। तुम जिस जगत का नक्शा बनाते हो, जब तक नक्शा बनता है तब तक जगत बदल जाता है। यहां नक्शे हो नहीं सकते। जीवन परिवर्तन है तो नक्शे होंगे कैसे? मैंने सुना एक गांव में एक शराबी ने एक मिठाई की दुकान से लड्डू खरीदे, रुपया दिया, आठाने उसे वापस मिलने थे, लेकिन दुकानदार ने कहा क्षमा करें मेरे पास फुटकर नहीं, कल सुबह आ जाना। शराबी शराब में था, उसने सोचा कि तो झंझट की बात है, सुबह बदल जाए, तख्ती बदल ले, अपना नाम बदल ले। शराबी को हजार तरह की कुशंकाएं उठने लगी कि आठ आने मेरे गए। उसने सोचा कोई ऐसा निशान मुझे बना लेना चाहिए कि ये बदल ना सके। उसने चारों तरफ देखा, देखा एक सांड बैठा है, सामने ही बैठा है दुकान के। उसने कहा ठीक, जहां सांड बैठा है। सुबह जब आया वापस तो सांड का कोई पक्का थोड़ी कि वो मिठाई की दुकान के सामने बैठा रहे। सांड कोई आदमियों जैसे थोड़ी कि जहां बैठ गए बैठ गए। सांड तो मुक्त है, इसलिए तो शिवजी ने उन्हें चुना है। वो चले गए थे, वो बैठे थे एक नाई की दुकान के सामने। वो आदमी तो एकदम घुस गया नाई की दुकान में, गर्दन पकड़ ली नाई की, हाथ धो गया आठ आने के पीछे, तख्ती बदल ली, धंधा बदल लिया, जात बदल ली आठ आने के पीछे, मगर तुम मुझे धोखा ना दे सकोगे। वो सांड बैठा है। तुम्हारे जिंदगी के नक्शे बस सब ऐसे ही हैं। जिंदगी रोज बदल जाती, तुम्हारे नक्शे नक्शे पीछे पड़ जाते, उनका कोई अर्थ नहीं। तुम्हारे शास्त्र सब ऐसे, क्योंकि जब बनते हैं तब जिंदगी एक होती, जब तक बन पाते तब तक जिंदगी दूसरी हो जाती। अब आज तुम वेद को बैठे पढ़ते रहो, या आज तुम बैठ के गीता को पढ़ते रहो, जिंदगी बहुत बदल गई, गंगा में बहुत जल बह गया है। इसलिए मैं जब बुद्ध की व्याख्या करता हूं तो तुम ख्याल कर लेना, मुझे बुद्ध की उतनी चिंता नहीं है, क्योंकि 2500 साल में जिंदगी बहुत बदल गई। मुझे तुम्हारी चिंता है। मैं जब बुद्ध की व्याख्या करता हूं तो मुझे बुद्ध की उतनी फिक्र नहीं है, मेरी निष्ठा बुद्ध के प्रति उतनी नहीं है जितनी आज के इस क्षण के प्रति है। इस क्षण के अनुकूल नक्शे को बदलता हूं। तुम्हारे और व्याख्याकार जो हैं वो नक्शे के प्रति उनकी निष्ठा भारी है, वो कहते हैं जिंदगी जाए भाड़ में, समय की धारा का कुछ भी हो, हम तो पक्का जो किताब में लिखा है उसी को मानते, चाहे किताब अब बिल्कुल ही गलत हो गई हो। सभी सत्य सामयिक होते, और जो शाश्वत सत्य है उसको शब्द में कहने का कोई उपाय नहीं, उसे कभी किसी ने कहा नहीं। जो कहा गया है वो सामयिक है, और सभी सत्य जब सामयिक होते हैं तो समय के बदलने पर बदल जाने चाहिए। सत्य तुम्हारे बदलते नहीं, पत्थरों की तरह जड़ हैं और जिंदगी फूलों की तरह बह रही है, उनमें कभी तालमेल नहीं रह जाता। तो तुम्हारे तथाकथित सत्य ही तुम्हें सत्य तक पहुंचने में बाधा बन जाते, तुम्हारे शास्त्री अवरोध हो जाते। अतीत की अंधभक्ति जितना मनुष्य को भटकाती है उतना और कोई चीज नहीं भटकाती। नदी की तरह रहो, नक्शों को ले चलने की कोई जरूरत नहीं। और जब नदियां तक पहुंच जाती हैं सागर तक, तो तुम क्यों ना पहुंच पाओगे? तुम भी चैतन्य की धारा हो, तुम चैतन्य का सागर खोजने निकले हो। इस जगत में नदियों तक को मिल जाता है मार्ग, तो तुम्हारी चैतन्य धारा को ना मिलेगा। कुछ तो भरोसा करो, इस भरोसे का नाम श्रद्धा है। श्रद्धा का मतलब ये नहीं होता कि मैं छाती ठोंक के कहता हूं कि मुझे ईश्वर में भरोसा है, कि मुझे कुरान में भरोसा है, कि जो कहेगा कुरान गलत उसकी गर्दन काट दूंगा, या अपनी जान ले दूंगा, या उसकी जान ले लूंगा। श्रद्धा का यह मतलब नहीं होता, ये तो सब मूढ़ताओं के नाम है। श्रद्धा का इतना ही अर्थ होता है कि जिस जीवन ने मुझे जन्म दिया है,
जिस जीवन से मैं आया हूं वो मुझे संभाले, और अगर मैं ठीक ठीक तीव्रता से खोज करता रहूं तो मूल स्रोत को जरूर पा लूंगा। श्रद्धा का अर्थ विश्वास नहीं होता, श्रद्धा का अर्थ किसी सिद्धांत में भरोसा नहीं होता, श्रद्धा का अर्थ होता है अस्तित्व की, जो विराटता तुम्हें घेरे खड़ी है बाहर और भीतर, इसमें तुम्हें भरोसा है, तुम्हें अपने में भरोसा है और अस्तित्व पे भरोसा है। भटकाव कितना ही हो पहुंचना हो जाएगा। नदी कितना भटकती, आड़ा टेढ़ा रास्ता लेती, कितना भटकती, कभी कभी सागर से दूर चली जाती फिर पास आ जाती, लेकिन भटक भटक के भी पहुंच जाती। और फिर नदी की तीसरी बात है जो वासुदेव कहना चाहता है, वह है नदी का सर्व स्वीकार भाव। पुण्यात्मा स्नान कर ले तो नदी को स्वीकार है, पापी स्नान कर ले तो नदी को स्वीकार है, गंदा नाला गिर जाए तो नदी को स्वीकार है, शुद्ध गंगा की धारा गिर जाए तो नदी को स्वीकार है। नदी भेद नहीं करती, जिंदा आदमी नदी में आ जाए तो ठीक, मुर्दा लाश कोई डाल दे तो ठीक, नदी सब स्वीकार कर लेती, उसका परम स्वीकार। जब बाढ़ आती है और नदी विराट हो जाती तब भी नाचती गाती चलती है, जब सब सूख जाता है और गर्मी की आग बरसने लगती तब भी नदी को स्वीकार, वो सूख गई देह भी उतनी ही स्वीकार है। सूरज निकले तो और बादल घेरे तो सब नदी को स्वीकार है, नदी की स्वीकारिता परम। इसको बुद्ध ने तथाता कहा है, सब स्वीकार, जो हो ठीक, जैसा हो ठीक, जीवन जहां ले जाए वही मंजिल। ऐसा जिसके मन में स्वीकार है उसके जीवन में असंतोष विदा हो जाएगा, उसके जीवन में दुख के बादल फिर नहीं घिरेंगे। उसने तो दुख के बादलों को भी सुख के बादलों में बदलने की कला सीख ली। जिसको सब स्वीकार है उसे तुम नरक नहीं भेज सकते, क्योंकि उसको नरक भी स्वीकार होगा, और जिसको नरक स्वीकार है उसने नरक को स्वर्ग में बदल लिया, और जिसको स्वीकृति की कला नहीं आती उसे तुम स्वर्ग भी भेज दो तो शिकायत खोज लेगा। स्वर्ग में भी नरक बना लेगा, और अंतिम बात, नदी तुमने देखा होगा कभी कभी जीते आदमी को डुबा देती और मार डालती, लेकिन मुर्दे को तैरा देती, ऊपर आ जाता है मुर्दा। बुद्ध की विचार सरणी से इसका भी बड़ा मेल है। तुमने देखा ये मजा कि जिंदा आदमी जो बचना चाहता है कभी कभी डूब जाता है, और मुर्दा जिसको बचने की कोई आकांक्षा ही नहीं, मुर्दा ही हो गया, आकांक्षा कहां, वो तैर जाता। जिंदा आदमी नदी की तलहटी में बैठ जाता, मुर्दा आदमी सतह पर आ जाता है। मुर्दे को कुछ कला आती जो जिंदा आदमी को नहीं आती, मुर्दे को समर्पण है। मुर्दा बचने की आकांक्षा नहीं करता इसलिए नदी भी उसे बचाती, जो बचने की आकांक्षा नहीं करता अस्तित्व उसे बचाता है, जो संघर्ष नहीं करता अस्तित्व उसको विजय देता है, और जो अस्तित्व से लड़ने लगता है उसको तोड़ डालता है। तुम प्रकृति से लड़ोगे तो हारोगे, तुम प्रकृति के साथ हो जाओ, तुम प्रकृति को साथ ले लो, तुम्हारे और प्रकृति के बीच एक सरगम पैदा हो जाए, संगीत पैदा हो जाए, तो तुम्हारी जीत निश्चित। तुम तभी जीतोगे जब प्रकृति के साथ होगे, क्योंकि प्रकृति ही जीत सकती, तुम नहीं जीत सकते। तुम हारोगे अगर प्रकृति के विपरीत लड़ोगे, क्योंकि तुम कैसे जीतोगे, अंग कैसे जीत सकता है पूर्ण से, अंश कैसे जीत सकता अंशी से। तो नदी में बचने का उपाय यही है कि तुम छोड़ दो अपने को, तुम संघर्ष ना करो, तुम नदी पर भरोसा कर लो और छोड़ दो अपने को, समर्पण। ऐसे कुछ सूत्र वासुदेव नदी के किनारे बैठ बैठ सीखा है।
ऐसे ही कुछ सूत्र बुद्ध ने जीवन की नदी के किनारे बैठ बैठ सीखे। सीखना आना चाहिए तो कहीं भी सीखना हो सकता है, और सीखना ना आता हो तो बुद्धों के पास बैठ के भी तुम बुद्ध ही रह जाओगे। इसलिए वासुदेव कहता है क्या खोजना गुरु को, जहां हो वहां गुरु है। वृक्षों से सीख लो, पक्षियों से सीख लो, चांतारों से सीख लो, नदी पहाड़ों से सीख लो, जिसे सीखना है उसे चारों तरफ से शिक्षा मिल रही, और जिसे नहीं सीखना है, जो आंख बंद किए और कान बंद किए बैठा है, वो बुद्धों का सत्संग भी करता रहे तो कुछ भी ना होगा, वहां से भी खाली हाथ गया खाली हाथ लौट आएगा। असली बात तुम्हारी सीखने की क्षमता, कुशलता। क्या है सीखने की कुशलता का मूल आधार? एक ही आधार है, और वह है विनम्रता, वह है झुकना, वह है खुला होना। जहां सीखना हो वहां अपने द्वार दरवाजे खोल देना, वहां पक्षपात से भरे हुए मत जाना, वहां सिद्धांतों से लदे हुए मत जाना, वहां जानकार की तरह मत जाना, नहीं तो नहीं जान पाओगे। जो जानकार की तरह गया जानने से वंचित रह जाएगा, वहां तो जाना निर्बोध अज्ञानी की भांति, वहां तो उस भाव दशा में जाना जो कहती है मुझे क्या पता है। वहां खुले जाना तो बहुत कुछ सीख पाओगे, और तब बुद्धों से ही नहीं किन्हीं से भी सीख सकते हो। साधारण जनों का जीवन भी गहन किताबों की तरह है। एक साधारण से आदमी की जिंदगी खोल लो, वेद खोल लिया, और वेद तो पुराना पड़ गया, और ये आदमी अभी ताजा है, नया है, अभी यहां जीवन की रसधार बहती है। एक साधारण से मनुष्य के जीवन को समझ लो, तुमने सारे शास्त्र समझ लिए, और दूसरे की क्या फिक्र करनी, तुम अपने ही जीवन के निरीक्षक बन जाओ, साक्षी बन जाओ, तो तुम्हें वहीं से सारा का सारा मिल जाएगा, जो पाने योग्य निश्चित मिल जाएगा, और जो पाने